मैं सचिन खतावियर आज आपके लिए फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का वीडियो है TVS एंटॉर्क 125 सीसी रेस एडिशन BS6 बाइक के बारे में। लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचाए। चलते हैं वीडियो की ओर। गाइस, जैसे कि आपको पता है, आज का वीडियो TVS एंटॉर्क 125 सीसी रेस एडिशन BS6 बाइक के बारे में होने वाला है। और आपको भाई हर बार इतना सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करता है। प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि जो चीज़ हमारे बजट में फिट होती है हम सबसे पहले वही परचेज करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राइस के बारे में। रेस एडिशन BS6 एक्स शोरूम में इसका प्राइस है 72,455 रुपये का। RTO अमाउंट पड़ेगी आपको 5,796 रुपये की, और इंश्योरेंस अमाउंट होगा इसका 5,980 रुपये की, और ऑन रोड प्राइस पड़ेगी 84,231 रुपये की। अब बात करते हैं EMI पे। अगर आप EMI पे लेना चाहते हो तो मिनिमम EMI है इसकी 2,119 रुपये पर मंथ देकर आप इस बाइक को ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कलर्स की। तो इसके अंदर 7 कलर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेटेलिक रेड, रेड मेटेलिक ग्रे, मेटेलिक ब्लू, मेटेलिक येलो एंड मैट वाइट, मैट सिल्वर, मैट रेड। अब बात करते हैं इंजन के बारे में। तो इंजन टाइप है सर 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड OHC के साथ। इंजन डिस्प्लेसमेंट 124.79 सीसी की है। पावर इसमें 9.4 PS एंड 7,500 RPM का। टॉर्क इसमें 10.5 Nm का एंड 5,500 RPM का। एमिशन टाइप की बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं BS6 ये बाइक है और नंबर ऑफ सिलेंडर एक है इसके अंदर। ड्राइव टाइप की बात कर लेते हैं तो बेल ड्राइव है इसके अंदर। बल्ब पर सिलेंडर इसमें 3 होने वाले हैं। फ्यूल टाइप इसमें पेट्रोल है। ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं तो ट्रांसमिशन टाइप ऑटोमेटिक है। नंबर ऑफ गियर CVT है और ब्रेक्स है इसके अंदर। अब ब्रेक्स की बात करते हैं, फ्रंट ब्रेक इसमें डिस्क होने वाला है और रियर ब्रेक इसमें ड्रम है। ब्रेकिंग टाइप इसमें सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम है इसके अंदर। चेसिस एंड सस्पेंशन की बात करते हैं, फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रियर सस्पेंशन इसमें गैस फिल्ड हाइड्रोलिक टाइप कॉइल स्प्रिंग शॉक अब्जॉर्बर के साथ है। टायर्स व्हील्स की बात करते हैं तो पहले हम टायर साइज की बात करेंगे। फ्रंट टायर इसमें 100x80-12 का है और रियर टायर्स में 110x80-12 का है। व्हील साइज की बात करते हैं तो फ्रंट व्हील इसमें 12 इंची का है और रियर व्हील भी इसमें 12 इंची का है। दोनों ही सेम साइज के हैं। टायर टाइप है इसमें ट्यूबलेस और राइडल टायर इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और व्हील टाइप इसमें अलॉय होने वाला है। ऑप्टिमम टायर प्रेशर 24 PSI का होने वाला है। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन बेस है इसका 1,285 mm का और लेंथ है इसकी 1,865 mm की। ग्राउंड एंड क्लियरेंस है 155 mm का। हाइट की बात करते हैं तो हाइट है इसकी 1,160 mm की और ब्रेथ है 710 mm की। और फ्यूल कैपेसिटी 5 लीटर का इसका टैंक है। टेल लाइट इसमें LED होने वाली है और ब्रेक फ्रंट ब्रेक डायमीटर इसमें 220 mm का है। रियर ब्रेक डायमीटर 130 mm का है। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल्स की। तो इलेक्ट्रिकल्स टाइप बैटरी टाइप में MF होने वाली है, यानी कि मेंटेनेंस फ्री, जो कि काफ़ी अच्छी है। और LED टेल लाइट इसके अंदर देखने को मिलेगी, बूट लाइट भी देखने को मिलेगी और टर्न सिग्नल लैंप इसमें LED होने वाली है। तो ये एक्टिवा काफ़ी, इसी ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी दिख रही है, तो आप इसको जाके ले सकते हो। गाइस, अगर वीडियो देख चुके हो, वीडियो काफ़ी अच्छा था, अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है, आपके एक लाइक से आपके भाई को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में बताइए वीडियो कैसे लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपको भाई आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई देता है और उसी टॉपिक का वीडियो बनाता है। अगर आप अपने भाई के चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।